स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि 9वें हफ्ते से 12वें हफ्ते के दौरान बच्ची के शरीर के कौन कौन से अंगों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, साथ ही वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करने की शुरुआत कर देता है। लेकिन इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए कई तरह के बदलाव लेकर के आता है और उसकी वजह है कि अब उसके अनबॉर्न बेबी का विकास तेजी से शुरू हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पोस्ते के दाने के आकार से शुरुआत हो करके अब आपके बेबी का साइज लगभग एक लेमन के आकार का हो चुका है। थर्ड मंथ आते आते आपका फीटस 2.5 से लेकर 3 इंच तक लंबा, साथ ही उसका वेट भी लगभग 1 आउंस तक हो जाता है। इस दौरान आपके बेबी के फिंगर, टोज और नेल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, साथ ही उसके मुंह में 28 बड्स उभर जाते हैं जिनमें टीथ का डेवलपमेंट भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा बेबी की स्किन पर महीन बालों की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। थर्ड मंथ तक बेबी का हार्ट भी फंक्शन करना शुरू कर देता है और अब आप अपने अनबॉर्न बेबी की हार्ट बीट भी स्कैन में सुन सकते हैं। इसके साथ साथ 9वें से 12वें हफ्ते के दौरान आपकी बेबी की किडनीज, उसकी आईज और उसके जेनाइटल्स भी डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं एक्सपेक्टिंग मदर के शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में एक्सपेक्टिंग मदर्स के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। अब उनका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। थर्ड मंथ तक आते आते आपके वजन में 2 से 2.5 किलो तक इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ अब आपको आपके कपड़े भी टाइट फील होने लगेंगे। थकावट और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के दौरान बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस और हेडेक की समस्या हो सकती है। हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव के कारण आपकी स्किन में आपको इरिटेशन हो सकती है, इचिंग और ड्राइनेस की समस्या भी आ सकती है। बच्चे की ग्रोथ में तेजी आने के कारण एक्सपेक्टिंग मदर्स को अब ज्यादा भूख लगने लगती है और यही वजह है कि अब आपका दिन में कई बार खाने का मन करता है। हालांकि कुछ एक्सपेक्टिंग मदर्स में एक्सट्रीम नौजिया की वजह से ये भूख कम भी हो जाती है। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाने के कारण इसका असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है और इस वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन लेवल में चढ़ाव उतार के कारण आपको वजाइनल डिस्चार्ज भी ज्यादा हो सकता है। तो ये थे थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेबी के ग्रोथ पैरामीटर्स और एक्सपेक्टिंग मदर्स के शरीर में आने वाले बदलाव। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और एक्सपर्ट एडवाइसेस चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन, फ्री बेबी डाइट चार्ट या फिर अन्य टूल्स जो कि आपकी मदद करें, तो डाउनलोड करें माइलो ऐप।